बहुत सारे लोग इस बात से निराश होते हैं कि वो अनजाने लड़की से बात नहीं कर पाते और उनसे बात करके भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरी तरह से कहूँ तो उनके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते। याद रखना, पहली मुलाकात लड़का लड़की दोनों के लिए समस्या का विषय है। मानो या ना मानो, लड़की सबकॉन्शियसली हर लड़के को जज करती है जिनसे वो पहली बार मिली हो, और ये सारा जजमेंट डिपेंड करता है आपके रिलेशन स्टेटस को लेकर। लड़कियां 10 मिनट में ये सोच लेती है हमारे कितने बच्चे होंगे, क्या ये रिलेशन को लेकर सीरियस है या नहीं, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं धोखा तो नहीं देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर लड़की सिंगल है तो लड़कों के उसके चारों तरफ घूमना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो कमिटेड है और उनके रिलेशनशिप से खुश है तो लड़कों को उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही आगे पीछे घूमना चाहिए। हाँ, आप उसके साथ आई कांटेक्ट बना सकते हो पहली मुलाकात में, या अजनबी लड़की को इम्प्रेस करने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लड़की से बात करते समय कभी ये मत सोचो कि आपको उसे पटाना है, या वो पट गई तो उसे यहाँ पार्क लेकर जाओगे या होटल में। लड़कियों में एक क्वालिटी होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। जैसे आप किसी पार्टी पार्टी या शादी में देखो, सारी लड़की आपको हाई क्लास लगेगी, और वही आप फील करोगे, आपके कपड़े ठीक नहीं हैं, आपके जूते पुराने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पहली मुलाकात में अपने बारे में कम से कम बताना चाहिए, उसके सारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आप फ़ोन की बात करोगे तो उन्हें बाइक की उम्मीद करेगी, और बाइक की बात करोगे तो वह कार की उम्मीद करेगी। सो अगर आप उन्हें कुछ भी नहीं बताओ तो आपका दिया हुआ एक रोज़ भी उसके लिए सब कुछ बन जाएगा। मैं कभी यह नहीं सोचता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी या मैं उसे पसंद आऊँगा या नहीं। मैं उनसे घंटों बात नहीं करता, मैं बस इतना उम्मीद रखता हूँ कि बस 2 मिनट मुझसे बात कर ले, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि लड़के पहली मुलाकात में कभी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लड़की क्या चाहती है या उसे क्या पसंद है। हमेशा याद रखना, लड़कियों से उनकी इंटरेस्ट की बातें करो, वो ज़रूर रिप्लाई करेगी। बातें कम करो पर काम की करो। उनसे पूछ सकते हो कहाँ काम करती है या उनके सब्जेक्ट्स क्या है। अभी आपको उसके इंटरेस्ट या वर्क को कमिट नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए तो तुम्हें इससे अच्छा ये था, इस तरह की बातें मत करो। अभी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, बस सुन लो वो क्या कहना चाहती है। अभी अगर आप उसके इंटरेस्ट पर कमेंट या ज़्यादा तारीफ करोगे तो उसे लगेगा आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। सो कम बातें करो और सीरियस रहो। याद रखना, कभी किसी किसी लड़की से उसके रिलेशन स्टेटस के बारे में मत पूछना, और ना ही उस टॉपिक के आसपास भी भटकना। ऐसा दिखाओ कि आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बताना चाहती है तो वो सुन लो, पर उसे अपनी तरफ से रिप्लाई मत दो कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उस लड़के का क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। इस तरह की कोई बात मत करो। लड़के ज़्यादातर फिल्मों या नॉवेल से इंस्पायर्ड होते हैं। वो देखते हैं कि कैसे हीरो 1 मिनट में लड़की से बात करके उसे पटा लेता है। वो हीरोज़ की कॉपी करना शुरू कर देता है और अपने आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। वो रियल लाइफ में भी वैसा ही लड़की पटाने की कोशिश करते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। फिल्मों में अगर कोई असली चीज़ दिखाते तो आज सभी के पास 10-20 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं और सभी अपने रिलेशन से खुश होते हैं। मेरे सामने इतने प्रॉब्लम्स को लेकर कोई नहीं आता। फिल्मों से कुछ मत सीखो, मैं जो सिखा रहा हूँ, अगर आप उसका 10% भी कर पाए तो लड़की आपसे पट जाएगी। अगले ही दिन देखना, लड़की किसी म्यूचुअल फ्रेंड के पास आपके प्रपोजल का जवाब भेजेगी। आपको रिजल्ट की चिंता छोड़कर लड़की से बात करना चाहिए। आप जितना बात करोगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा।